नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं आज के पहले बुलेटिन से। अलीगढ़ नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा जलभराव की समस्या पैदा करने वालों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त का कहना है कि शहर में जलभराव की काफी शिकायतें आ रही थी, जिसको लेकर उनके द्वारा खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। साथ ही ऐसे लोगों को सख्त हिदायत भी दी गई जिनके द्वारा नालों के ऊपर पक्के अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से नालों की सफाई नहीं हो पाती। अगर जल्द ही ऐसे लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल भराव के कारण यहाँ प्रॉब्लम हुई तो आज पूरी नगर निगम टीम के साथ मैं यहाँ आया और ये देखने को मिला करीब 14 ऐसे स्थान थे जो बड़े बड़े लोगों ने अपने घरों के सामने स्लैब डाल के नाले का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, तो उनको खुलवाया गया और वहाँ पे JCB के माध्यम से ये प्रक्रिया अन्य रोडों पर भी होगी। मेरा सभी ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप नाले के प्रवाह को अवरुद्ध मत करिए। अगर इसमें आप अवरुद्ध करेंगे, जल भराव की स्थिति होगी, तो नगर निगम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सुसंगत धाराओं में जरूरत होगी तो मैं FIR भी दर्ज कराऊंगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आगरा के थाना लोहा मंडी का घेराव किया। उन्होंने थाने के बाहर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पुलिस ने बीते दिनों एक टेम्पो को पकड़ा था जिसमें से भारी मात्रा में मांस बरामद हुआ था, लेकिन पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि वो कई बार गौकशी के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में मुहर्रम के त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से एक संयुक्त मार्च निकाला गया। यह मार्च SP के निर्देश पर निकाला गया। इस दौरान फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए, जिससे कि मुहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। दरअसल यही एक मरीज के फोन करने के बावजूद कई घंटों तक एम्बुलेंस उसे लेने नहीं पहुंची, जिसके बाद मरीजों ने बैलगाड़ी पर लेटाकर मरीज को CHC पहुंचाया। इतना ही नहीं, अस्पताल में भी मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इलाज के लिए घंटों तक इंतजार करता रहा। हमीरपुर के जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागार में 5 बंदियों सहित 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही जिला कारागार में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव बंदियों को अस्थायी कोविड जेल में शिफ्ट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं एक साथ जिले में 19 कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में दहशत फैल गई है। हरदोई में DM अविनाश कुमार ने COVID-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल में फैसिलिटी के संबंध में मरीजों से बातचीत की, साथ ही साथ व्यवस्थाओं के बारे में CMS और डॉक्टर से जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने COVID-19 के मद्देनजर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में रोज हमें एक जितनी भी हमारी फैसिलिटीज चल रही हैं, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो, उसी के क्रम में आज यहाँ L2 फैसिलिटी का निरीक्षण किया गया। और यहाँ पे जो CMS साहब हैं उनसे डिस्कशन भी हुआ कि उनके यहाँ कोई सप्लाईज़ की कमी तो नहीं है, तो और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनसे वार्ता भी करी गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि व्यवस्थाओं से तो वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और उन्हें खाना और ये सारी सप्लाईज बराबर नियमित रूप से मिल रही है। अमृतसर के राजा सांसी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से नशीली गोलियां और शराब बरामद हुई है। वहीं जांच अधिकारी नरेंद्र सिंह के मुताबिक SSP ध्रुव दहिया के साथ निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। AG मानजोग पंजाब सरकार सीनियर अफसरों की दिशा निर्देश के तहत जिहड़ियां आ मुहिम चली आ नशा रोकू, उहदे विच साडे थाने वालों ही साडे SSP साहब अमृतसर देहाती वालों जिहड़ियां टीमां बणियां उहनां दे मुताबक असीं अगर थाणिआं 'च अपनियां टीमां जिहड़ियां नियुक्त कीतियां ने, जिहदे विच कलविंदर सिंह दे कोलों 100 नशीलियां गोलियां बरामद कीतियां, NDP साइड दा मुकदमा दर्ज कीता। उस तों बाद गुरपाल सिंह दे कोलों शराब कीती आ, गुरपाल सिंह दी पुछगिछ ते सरजीत सिंह ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਠਕ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
रामपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब यहां का जिला कारागार भी अछूता नहीं रहा है। बता दें कि जिला कारागार में 66 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से जिला कारागार में हड़कंप मच गया है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से अब सभी कैदियों की कोरोना की जांच कराई जाएगी। वहीं इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबोध कुमार शर्मा ने जेल में 66 कैदी पॉजिटिव आने के बाद से जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या करीब 2800 पहुंच गई है। सहारनपुर के बूढ़ सड़ौरी इलाके में छेड़छाड़ के मामले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पथराव भी हुआ, जिसमें महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने महिलाओं सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।